हेलो एंड वेलकम बैक टू हमारी आपकी रसोई से। मैं वंदना आज आपके साथ शेयर करूंगी बाउंटी बॉल्स या बार्स, कुछ भी कह सकते हैं, जो अक्सर बच्चे बाजार से लाकर खाते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होती हैं पर बनानी बहुत आसान। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद इसे आप हमेशा घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ एक पैन में ले रही हूँ 100 ml कंडेंस्ड मिल्क। अगर आप चम्मच से नापेंगे तो 5 टेबल स्पून है। यहाँ मैंने नेस्ले का मिल्क मेड लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर हल्का सा बॉईल आने तक गरम करेंगे। देखिए इसमें बॉईल आ गया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, बस इस स्टेज पर ही गैस ऑफ कर देंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट गोले का बुरादा। दो बार में ऐड करेंगे इसको, एक बार इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बाकी का भी ऐड कर देंगे और इसे आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए ये एक डो की तरह तैयार हो गया है। अगर कभी भी ऐसा हो आपका थोड़ा पतला रह जाए तो आप थोड़ा सा कोकोनट पाउडर उसमें और मिला सकते हैं। अब एक स्पून की हेल्प से इसमें से डो लेंगे। हल्के गर्म में ही हमें ये बॉल्स बनानी है और इसकी इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। छोटी बड़ी या शेप जैसा आप चाहें वैसी बना सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें बार्स की शेप में भी बना सकते हैं। बार की शेप में बनाने के लिए इनको इस तरह से थोड़ा लंबा करेंगे, इस तरह से इसकी शेप दे सकते हैं। ये देखिए किसी मोल्ड की किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह से बन जाएंगी। ये देखिए ये तैयार है। कुछ को मैंने बार्स की शेप दे दी है, बाकी बॉल्स बना ली हैं। अब इन्हें ठंडा करने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब इसके लिए चॉकलेट कोटिंग बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम्स कुकिंग चॉकलेट ली है। आप चाहें तो कोई भी मिल्क चॉकलेट या नॉर्मल कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि इन्हें मेल्ट करना इजी हो जाए। इसे एक बोल में ले लेंगे। इसे हमें मेल्ट करना है, चाहे तो आप इसे माइक्रोवेव में कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर में। डबल बॉयलर में करने के लिए इस तरह से किसी एक भगोने या पैन में पानी ले लें, इस तरह से लें कि ये इसमें टिक जाए। इस तरह से बस इसे कवर ना करें, कवर करने से इसमें मॉइस्चर आ जाएगा जिससे चॉकलेट बेकार हो जाती है। अगर आप इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर रहे हैं तो पहले 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट करिए, फिर उसके बाद इसे एक बार अच्छी तरह चला लें, फिर उसके बाद वापस से 30 सेकेंड्स के लिए करिए। देखिए चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। इसमें मैं ऐड कर रही हूं 2 टेबलस्पून क्रश करे हुए काजू। इन्हें मिक्स कर लेंगे इसमें। अब ये कोकोनट बॉल लेंगे, एक एक करके इसमें इस तरह से अच्छी तरह से इसको कोट कर देंगे। अब फोक की हेल्प से इनको बटर पेपर लगी हुई प्लेट पे रखते जाएंगे। आप बटर पेपर की जगह एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चॉकलेट हटा देंगे और इसे इस तरह से रखते जाएंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 10 से 12 साल के, तो अगर आप उनसे ये बनवाएंगे तो उन्हें बहुत मजा आएगा क्योंकि चॉकलेट जो बननी है। लीजिए ये बाउंटी बॉल्स तो बनके तैयार हैं। अब इस बची हुई चॉकलेट में डालें थोड़े से क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने काजू बादाम और अखरोट लिए हैं, आप चाहें तो किशमिश भी यूज कर सकते हैं। इन्हें मिक्स कर लें और एक चम्मच की हेल्प से छोटे छोटे से बॉल्स बना लें, तो साथ ही साथ आपकी फ्रूट एंड नट भी तैयार हो गई। अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड है तो आप उसे चॉकलेट मोल्ड में भी डाल के बना सकते हैं। बस इन्हें अब आप 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर या पंखे के नीचे सेट होने के लिए छोड़ दें। इन्हें हम फ्रिज में नहीं रख रहे हैं, अगर फ्रिज में रखते हैं तो इसपे मॉइस्चर आ जाता है जिससे ये जल्दी खराब होती है। 2 घंटे हो गए हैं, ये देखिए बॉल्स बिल्कुल पूरी तरह से सेट हो गई हैं। काट के दिखाती हूं मैं आपको, ये देखिए। तो ये लीजिए यमी बाउंटी बॉल्स या बार्स, जो भी कहें, बनके बिल्कुल तैयार हैं, है ना। इनको बनाना कितना आसान। इन्हें डेकोरेट करने के लिए मैंने मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट ली है, ये टोटली ऑप्शनल है। देखा आपने कितनी जल्दी बन जाती हैं, तो अब इन्हें मार्केट से क्यों लाना। आप चाहें तो इन्हें फेस्टिवल्स पर मिठाई की जगह सर्व कर सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगी।
या फिर बनाकर गिफ्ट्स में भी दे सकते हैं। तो बस देर किस बात की, आप भी बनाएं और कमेंट करके बताएं ये आपको कैसी लगी। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन बटन प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। हैव अ नाइस डे।